नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका स्वागत है। वीवीपैट के माध्यम से होगा आगामी आम चुनाव, मतदाताओं को जागरूक करने कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन। आगामी कुछ ही माह पश्चात विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में मतदाता वीवीपैट का इस्तेमाल करेंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, हाट बाजार में वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है तथा मतदाताओं को जागरूक करने का क्रम जारी है। स्थानीय संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के प्रांगण में जन सुनवाई के दौरान वीवीपैट का प्रदर्शन मतदाताओं को जागरूक के लिए किया गया। विदित हो कि दमोह जिले में 1181 मतदान केंद्र हैं। इनमें 8,80,201 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। आपको बतला दें कि बैलेट यूनिट कंट्रोल वीवीपैट को मिलाकर एक सेट बनाया गया है। उसमें यह लगातार आरोप लगते थे कि हमने मत तो किसी को दिया है पर पहुंच गया है किसी के खाते में। वीवीपैट के इस्तेमाल से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने मत जिसको दिया है उसको पहुंचा है कि नहीं। एक पर्ची निकलेगी और वह पर्ची मतदाता के सामने होगी और वह पर्ची वही के वही उसी डिब्बे में कैद हो जाएगी। मतदाताओं को प्रशिक्षण दे रहे कर्मचारियों ने एलएनबी टीवी को जानकारी देते हुए बतलाया, मन में ये भ्रांतियां रहती थी कि हम जो वोट दे रहे हैं वो हमारा वोट जिस चिन्ह पे हमने दबाया उसी में गया है कि नहीं। इस भ्रांति को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक वीवीपैट डिवाइस लगाई हुई है। इसमें मतदाता के द्वारा जिस चिन्ह पर अंकित किया जाएगा, मत अंकित किया जाएगा, मतांकन के बाद 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखेगी और उसमें वह मतांकन किया गया चिन्ह का दर्शित होगा और वह पर्ची कट के इस डिवाइस में इकट्ठी होती जाएगी। जो है हमारी उसको पूरा PCI के इंजीनियर्स द्वारा पूरा चेक किया गया है और चेक होने के जैसे ही मशीन चालू होती है कनेक्शन होने के बाद वह अपने सही होने के लिए 6 पर्चियां निकालती है प्रमाणित करने के लिए, जिसमें कि उसमें डेट और उनकी मशीन की पूरी जानकारी अंकित होती है। वो मुद्दा रिकॉर्ड के लिए है, लेकिन मतदाता के लिए यह विश्वास दिलाने के लिए कि जिस प्रत्याशी को उसने वोट दिया है उसी को वोट अंकित हुआ है, यह मशीन है। यह हमारे इस बार के विधानसभा के चुनाव में सभी केंद्रों पे पोलिंग बूथ के अंदर यह रहेगी। वीवीपैट के इस्तेमाल के मामले को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। ताजातरीन समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV। जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।